दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप खुश हो सकते हैं, जिस बैंक में आपका पैसा है वो बैंक डूब गया तो आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। कल तक ये रकम 1 लाख रुपए तक की थी, यानी सरकार ने कमाल का काम किया है कि अब बैंक डूबा तो आपको 1 लाख की जगह 5 लाख रुपए अपने पैसे वही मिलेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आपके 4 लाख रुपए जमा है तो आपको 5 लाख मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं, आपको 4 लाख ही मिलेंगे। लेकिन अगर आपके उस बैंक में 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ कुछ भी है तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। और इस 5 लाख रुपए को लेकर DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। सरकार अगला ढिंढोरा पीट रही है कि अब संसद भी मुहर लगा देगी। लेकिन जिस वक्त इस देश में बैंक के डूबने पर 1 लाख रुपए की व्यवस्था थी, उस दौर में कभी आपने इस स्थिति को नहीं सुना होगा कि बैंक डूब जाएगा क्या और बैंक डूबने पर 1 लाख रुपए मिलेंगे क्या। लेकिन अब सरकार कह रही है बैंक डूबा तो 5 लाख रुपए मिलेंगे। यानी इस देश के भीतर में बैंक डूबेंगे, इस देश के भीतर में बैंकों की स्थिति कंगाल होने वाली होगी, इस देश के भीतर में बैंकों से कर्ज लेकर फरार होने वालों की तादाद लगातार बढ़ेगी, इस देश के भीतर में कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्ट यानी जो रईस हैं वो जितनी बड़ी तादाद में कर्ज लेते हैं और उस कर्ज की माफी सरकार कर देती है, अगर इन सारी परिस्थितियों को मिलाना शुरू कर दीजिएगा तो आपके जहन में कई सवाल एक साथ उठेंगे। पहला सवाल तो यही उठेगा, क्या वाकई पीएमसी बैंक जो डूबा, जो पीएमसी कोऑपरेटिव बैंक है, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, जो यस बैंक की स्थिति हो गई, जो लक्ष्मी विलास बैंक की स्थिति हो गई, आने वाले वक्त में क्या ये बैंकों को डूबने से बचाने के लिए ही सरकार ने मर्जर किया है, या फिर बैंक डूब रहे हैं इसको छुपाने के लिए मर्जर किया है जिससे बैंक की बुक ठीक दिखाई दे। कुछ भी आप सोच सकते हैं, लेकिन बैंक डूबा तो आपके हाथ में सिर्फ 5 लाख रुपए आएंगे और उसे भी आने में कम से कम 90 दिन जरूर लगेंगे। 90 दिन से पहले वो पैसा भी आपके हाथ में नहीं आएगा। जो डूबे बैंक, जिन हालत में लेकर RBI ने जो दिशा निर्देश जारी किए डूबे हुए बैंकों के या मुश्किल परेशानी में आए बैंकों को लेकर, उसके अध्ययन से पहले एक चीज जरा जहन में रखिए, यह एक ऐसा दौर है जिस दौर में NPA लगातार बढ़ रहा है। यह एक ऐसा दौर है जब बैंकों से लोन लेकर ना चुकाने वाले कर्जदार जो हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। यह ऐसा दौर है जिस वक्त RBI के हाथ में भी इतना पैसा नहीं है कि वह डूबते बैंकों को सहारा दे सके, क्योंकि उसे भी सबसे ज्यादा रकम इस दौर में सरकार को ही देनी पड़ रही है। डिविडेंड की संख्या भी बढ़ चुकी है। एक वक्त था कि माना जाता था कि 50 से 55 हजार करोड़ से ज्यादा RBI डिविडेंड सरकार को नहीं देगा, लेकिन अब तो वह कितना भी दे सकता है। और सबसे बड़ी संख्या इस देश के भीतर में 1,76,000 करोड़ तक की आई, जब एकमुश्त RBI ने सरकार को दे दिया। लक्ष्मी विलास बैंक में सरकार अगर या RBI अगर कुछ पैसा डाल देती तो वो बैंक की स्थिति ऐसी नहीं होती जो अब उसको सिंगापुर के बैंक DBS के हाथ में देना पड़ गया। DBS की भारतीय शाखा के हाथ में अब वो बैंक है। इसी तर्ज पर यस बैंक ने जो खेल खेला उसको भी रोका जा सकता था, लेकिन भारत की जो इकोनॉमी को चलाने के तरीके हैं उसमें इस बात की खुली इजाजत दे जाती है कि दरअसल बैंक का मतलब मुनाफा कमाना है, पैसा बनाना है, पैसे से पैसे को कैसे क्रिएट किया जाए, और उसके साथ समानांतर में सरकार बैंक के साथ खड़ी रहेगी जब तक वो पैसा कर्ज में उठाएगा और कर्ज में देगा। जब वो डूब जाएगा तो उसके ग्राहकों को अब 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। खुश हैं क्या आप? क्योंकि अब जो हम आपको बताने वाले हैं उसको लेकर आप ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यह एक भारत में ऐसी स्थिति है जो दुनिया के किसी भी देश की किसी भी बैंकिंग प्रणाली में नहीं मिलेगी। भारत के भीतर में नेशनलाइज बैंक जब हुए 19 जुलाई 1969, उस वक्त 14 निजी बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, और बैंकों के पास जो कुल पैसे थे उस समय 5,000 करोड़ थे, और जो ब्रांच थे देश भर में उनकी संख्या भी 8,200 थी। लेकिन देखिए, रकम जो थी 5,000 करोड़ में से, उसमें से बैंकों ने जो कर्ज दे रखा था वह 3,500 करोड़ रुपए का कर्ज दे रखा था। यानी बैंकों के पास लगभग 1,500 करोड़ रुपए ग्राहकों का पैसा था, बाकी उन्होंने कर्ज पर उठा दिया था। हम जिक्र इंदिरा गांधी के दौर का कर रहे हैं, 1969।
और अब आप 2021 में खड़े हैं, तो जरा कल्पना शुरू कीजिए कि आज की तारीख में बैंकों में कितना पैसा जमा होगा और उसमें से कितना लोन पर दे दिया गया होगा। इस समय देश भर के बैंकों में जो आम लोगों का पैसा जमा है, या फिर जो भी इस देश में जितने भी खाताधारक हैं उनका जो पैसा जमा है, वह 138 लाख करोड़ का है, और उसमें से 101 लाख करोड़ रुपया कर्ज पे बैंकों ने दिया हुआ है। पहले भी कर्ज पर दिया गया, जब हम 1969 का जिक्र आपसे कर रहे हैं कि 5000 करोड़ में से 3500 करोड़ रुपए लोन पर दिए गए, लेकिन आज की तारीख में 138 लाख करोड़ में से 101 लाख करोड़ रुपया जब कर्ज पर दिया गया है, तो इसी दौर में कितनी बड़ी तादाद में एनपीए और रिटर्न ऑफ या फिर बैड लोन, अगर सबको जोड़ना शुरू कीजिएगा तो बीते लगभग 6-7 साल में लगभग 20 लाख करोड़ रुपया आपको बैड लोन के तौर पर नजर आएगा, एनपीए के तौर पर नजर आएगा, क्योंकि जो एनपीए है ये तकरीबन 12 लाख करोड़ तक पहुंचा और जो सरकार ने रिटर्न ऑफ किया इस 6-7 साल में वह 7 लाख करोड़ से ज्यादा का है। तो ध्यान दीजिए, अगर इतनी बड़ी तादाद में पैसा कर्ज लेने के बाद जो विलफुल डिफॉल्टर है वो नहीं लौटा पाते हैं और सरकार वो रकम माफ कर देती है, पैसा तो इकोनॉमी का वही है, और जब वो पैसा नहीं लौट पा रहा और ये संख्या अगर बढ़ते बढ़ते 50% तक पहुंच गई, जो आपको तत्काल में लगभग 20% तक दिखाई दे रही होगी, लेकिन बैंकों के बुक को जब आप टटोलिएगा तो वहां पर ये रकम आपको 10-12% दिखाई देगी। लेकिन सवाल है, हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसके जरिए बैंकों की इस लूट को रोका जा सके, और बैंकों की लूट अगर जारी रहेगी तो बैंक कंगाल होने की स्थिति में आएंगे ही, क्योंकि आज की तारीख में बैंक के अलावे देश में लोगों के सामने कोई दूसरी जगह नहीं जहां पर वो पैसा रख सकें या पैसे को सुरक्षित रख सकें। 1969 में इस देश के भीतर में 8200 ब्रांच थे, लेकिन आज की तादाद में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा ब्रांच है, 1,56,000 ब्रांच है। अब आप सोचिए, पूरे देश में बैंक ही एकमात्र प्रोसेस है जो कि लोगों की पूंजी को सहेज कर रखे, उसको देश के डेवलपमेंट में लगाए, या खुद को कंगाल करते हुए कर्ज दे दे और कर्ज लेने वाला रईसी के साथ देश छोड़कर भी चला जाए और उनकी संख्या में भी इजाफा होने लगे। यह स्थिति शायद एक खतरे की घंटी है, क्योंकि जो रिपोर्ट निकल कर आई उस रिपोर्ट में बहुत साफ तौर पर बनाया गया, हम इस रिपोर्ट का इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉई एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं सीएच वेंकटाचलन, उन्होंने जब एक रिपोर्ट बताई कि इस देश के भीतर में बैंकों के जरिए 1969 में जब इंदिरा गांधी ने नेशनलाइज किया था तो देश के डेवलपमेंट में वो पैसा जाना था, और इंदिरा गांधी के काल में जो रेशियो था इस देश के डेवलपमेंट में लगने का, उसके बाद राजीव गांधी के काल में जो रेशियो था इस देश के डेवलपमेंट में लगने का, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव आए हों, या उसके बाद आप अटल बिहारी वाजपेयी को देखिए या मनमोहन सिंह को देखिए, जो रेशियो था संयोग से मौजूदा वक्त में वो रेशियो ट्रांसफर हो गया चंद हथेलियों में लोन देने का, और उस वक्त जो पैसा लौट के नहीं आता था उसकी तादाद जितनी भी उस समय की रकम थी उसको अगर आप 100 से गुना कर दीजिएगा तो आज की तारीख में उतना पैसा लौट के कर्ज देने के बाद नहीं आ पाता है। उस वक्त जो विलफुल डिफॉल्टर थे, जो जानबूझकर नहीं उठाते थे, पैसा नहीं लौटाते थे, उनकी संख्या में भी लगभग 50 गुना की वृद्धि हो गई उस दौर की तुलना करते वक्त। और इतना ही नहीं, उस और इस दौर का सबसे बड़ा अंतर यह है कि उस समय रिटर्न ऑफ नहीं किया जाता था, पैसा माफ कर दिया जाता है, यानी यह कमाल की परिस्थिति। और इसके भीतर का एक अनूठा सच यह है, इस देश के जो टॉप 10 हैं जिनके कर्ज माफ कर दिए गए, उसमें पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े हुए 6 कर्जदार हैं, SBI से जुड़े हुए 1 कर्जदार है, SBI से जुड़े हुए 3 कर्जदार हैं, सेंट्रल बैंक से जुड़े हुए 1 कर्जदार है, और कुल रकम ये 10 जिनके कर्ज माफी हुई है ये 17,000 करोड़ से ज्यादा की है, जो डिफॉल्टर्स हैं विलफुल डिफॉल्टर्स हैं। लेकिन महत्वपूर्ण फिर इसके आगे की बात है कि वाकई अगर क्या बैंक कंगाल होते चले जा रहे हैं और पैसा नहीं लौटाया जा रहा है। जब उस आंकड़े को आप समझिएगा तो 2014 से 2018 के बीच में जो बैंकों से विलफुल डिफॉल्टर्स की जो कर्ज माफी कर दी गई उसकी संख्या, और जो सरकार ने रिटर्न ऑफ किया उसको जोड़ दीजिए, और जो एनपीए बैंकों पर मौजूद है उसको जोड़ दीजिए,
यह इस देश में जो बैंकों द्वारा कर्ज दिया गया है वो आपको कागज पे 10-12% नजर आएगा, लेकिन ओरिजिनली यह रिटर्न ऑफ और जो माफी कर दी गई उसको जब जोड़िएगा तो पता चलेगा ये लगभग 20% तक छूने की स्थिति में आ गया। यानी जो 1,01,000 करोड़ रुपया कर्ज इस देश में दिया गया उसमें से ये मानकर चलिए कि उसमें से लगभग वापसी नहीं हो पाई। हम जो 1,01,000 बोल रहे हैं, दरअसल यह 101 लाख करोड़ है। 138 लाख करोड़ में से 101 लाख करोड़ रुपया कर्ज इस देश में दिया गया है और 138 लाख करोड़ रुपया बैंकों में जनता का जमा है। अब यहां से अगला सवाल शुरू होता है, जब 101 लाख करोड़ में से लगभग 20 लाख करोड़ के लौटने की कोई व्यवस्था नहीं तो क्या ये ऐसी स्थिति नहीं आएगी, ये संख्या बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे 50 लाख करोड़ तक पहुंच जाए? और 50 लाख करोड़ का मतलब है कि देश के भीतर पूरा बैंकिंग सिस्टम कंगाली की स्थिति में, क्योंकि यह 50% तक आ जाएगा। और आरबीआई की अपनी स्थिति भी ऐसी नहीं है कि वह इन बैंकों को खड़ा कर सके। अब आइए इस देश के भीतर में जैसे ही आप खुश हैं कि अब 5 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, हमें लगता है एक एक बैंक की परिस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, पीएमसी जो है इस देश के भीतर में 1987 में बना था। इसमें जो अकाउंट होल्डर्स की संख्या है वह इस देश के भीतर में तकरीबन 16 लाख अकाउंट होल्डर्स इससे जुड़े हुए हैं, जिनका तकरीबन 10,727 करोड़ रुपया वहां पर जमा है। लेकिन याद कीजिए हुआ क्या था, सितंबर 2019 में आप सिर्फ 1,000 रुपए निकाल सकते हैं, उसके बाद बढ़ाई गई, अब आप सिर्फ 10,000 रुपए निकाल सकते हैं, फिर कहा गया आप 50,000 रुपए निकाल सकते हैं, और आज की तारीख में भी आप 1,00,000 रुपए से ज्यादा वहां बैंक से नहीं निकाल सकते हैं। ये हम पीएमसी बैंक का जिक्र कर रहे हैं, जिसने अपने तौर पर HDIL जो कंपनी है, वो हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, उसको लोन दे दिया था अपने लोन की कैपेसिटी से ज्यादा। वो लोन देने की स्थिति में जो कुल था 8,300 करोड़ था, 6,226 करोड़ रुपए उसने लोन दे दिया। आरबीआई सचेत हो गया, उसने बोला ये तो खेल हो गया, आप तो लूट जाएंगे और कंगाल हो जाएंगे, तो आपके ऊपर मॉरेटोरियम लगा दिया जाता है, जिसके बाद ग्राहकों को अपने पैसा निकालना मुश्किल हो गया। ये कमोवेश हर स्थिति में आई है स्थिति, यानी कर्ज जब आप देते हैं और बाद में पता चला कि कुछ बैंक के अधिकारी और जो HDIL के प्रमोटर थे राकेश और सारंग बाधवान साहब, इनके बीच में आपस में पैसे के लेन देन, यानी जब आप बैंकिंग प्रणाली को नेशनलाइजेशन की जगह प्राइवेटाइजेशन की दिशा में ले जाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर उससे मुनाफा कमाने की दिशा में लग जाता है। ये नज़ारा पीएमसी के जरिए बाखूबी नजर आया। इससे आगे एक कदम यस बैंक बढ़ गया। यस बैंक तो 2004 में ही खुला था, इसने कमाल किया जब 2018 में इसने लोन लेना शुरू किया, और लोन दुनिया भर के अलग अलग जगहों से, चाहे वो ADB से लोन ले रहा हो, ओपिक से लोन ले रहा हो, यूरोपियन इंडस्ट्रियल बैंक से लोन ले रहा हो, ताइवान जापान के बैंकों से लोन ले रहा हो, स्थिति धीरे धीरे इसकी ऐसी आ गई कि पैसा आ गया तो इसने लोन देना शुरू किया। जिनको लोन दिया वो कंगाल होते चले गए, कैफे कॉफी डे, CG पावर, जेट एयरवेज, DHLFL, ILNFS जो 90,000 करोड़ के कंगाली की स्थिति में आ गया। यानी जिनको आप लोन देते हैं वो अपने आप को धीरे धीरे दिवालिया बता देते हैं। तीसरी स्थिति में जब आप लक्ष्मी विलास बैंक की स्थिति देखेंगे तो यह तो आज का बैंक नहीं, आज़ादी से पहले का, वहाँ के साउथ के लगभग 10 लोग थे, इन्होंने मिलकर बैंक खोला था। और वह भी स्थिति ऐसी आ गई कि जब इसने 2019 में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ मर्जर किया, इसकी स्थिति नाजुक होने लगी। मुश्किल ये नहीं है कि नाजुक स्थिति होती है, आरबीआई उसको कैसे लेकर आए, सवाल यह है कि जो जनता का पैसा इन बैंकों में जमा होता है उसके बाद वहां पर एक ऐसी स्थिति आती है कि अपना ही पैसा निकालने की जद्दोजहद में लोग फंस जाते हैं, कहीं 10,000 की लिमिटेशन, कहीं 25,000 की लिमिटेशन, कहीं 50,000 की लिमिटेशन। सवाल यह है कि ऐसी अगर बैंकों की स्थिति अभी नजर आ रही है तो सरकार ने क्या राहत देने भर के लिए या एक झुंझुना लोगों के हाथ में थमा दिया है, आपको 5 लाख रुपए तो मिल जाएंगे। यानी इस देश के भीतर में जितना पैसा 138 लाख करोड़ रुपया जमा है, 138 लाख करोड़ में से सिर्फ 101 करोड़ रुपये लोन पे चढ़ा हुआ है,
और इतने पैसे को लोन पे चढ़ान के लौटाने की परिस्थिति में सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। हम जब इस बात का जिक्र आपसे करते हैं कि सरकार के पास कोई उपाय नहीं है, तो इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि इस देश में जो लोन लेते हैं, जब नहीं लौटाते आते हैं तो वो देश छोड़कर फरार हो जाते हैं। अब सवाल है कि जो फरार हो जाते हैं, सरकार उनको भी क्यों नहीं रोक पाती? उनको लाना तो दूर, उनकी संख्या इस देश में लगातार बढ़ती चली जा रही है। साल दर साल देखिए, 2016 में 12 बिजनेस पर्सन फरार थे। उसमें मेहुल चौकसी नहीं नाम था, उसमें नीरव मोदी नाम नहीं था, उसमें माल्या नाम नहीं था, 12 कोई दूसरे पर्सन थे। 2017 में ये बढ़कर 18 हो गए और 2018 में बढ़कर ये 31 हो गई। इस 31 में नाम तीनों का जरूर था, मेहुल चौकसी हो, नीरव मोदी हो या माल्या हो। लेकिन सवाल है, इसके बाद भी ये कहते रहे हम उनको ले आएंगे, संपत्ति जब्त करेंगे, बैंकों को पैसा मिल जाएगा, इस देश को जो राजस्व का घाटा हुआ है वह भी हो जाएगा, बैंक फिर से जो कर्जदार को जो पैसा दिया उसकी वसूली शुरू हो जाएगी। लेकिन 2019 में डाटा आता है, 59 लोग हो गए, 31 से बढ़कर 59 लोग हो गए। 2020 में डाटा आता है कि ये 72 लोग हो गए और आज की तारीख में ये डाटा है 81 लोग हो गए। लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, पैसा आप लौटा नहीं पा रहे हैं। और इन सब परिस्थितियों के बीच में सरकार ने कमाल का काम किया, जो कर्ज लेते हैं उनसे पैसा वसूलने की जगह उनकी सुविधा के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल भी बना दिया और बैंकरप्सी कोड भी ले आई। यानी जो कर्जदार हैं वो अपने आप को दिवालिया घोषित करे और इनके दरवाजे पर पहुंच जाए, इसको भी सरकार ही चलाती है। चाहे यहां पर अलग अलग जजों की बैठक हो या जो उनकी जो नीतियां तो सरकार की हैं, और उसके तहत वहां पर जो कंपनियां आती हैं उनका वैल्यूशन करके किसी दूसरे को बेच दिया जाता है और उनका कर्ज एक लिहाज से माफ कर दिया जाता है। आप कहेंगे माफ कैसे कर दिया गया? हमें लगता है कुछ नाम पढ़ने की जरूरत है जिनको माफ कर दिया जाता है या जो कर्जदार हैं उनको माफ़ी जो होती है वो बड़ी अनूठी माफ़ी। अनूठी इसलिए क्योंकि कई कई बैंकों से ये लोन लेते हैं। हमको लगता है वो लिस्ट भी आपको आज बतानी चाहिए कि कई बैंकों से लोन लेते हैं और उन बैंकों को लोन लेने के बाद लौटा नहीं पाते हैं, और लौटा नहीं पाने की स्थिति में उनको माफ़ी दे दी जाती है कि जाइए आप अपने तरीके से अब वसूल पैसा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें लगा कि डिफॉल्टर्स की संख्या जो SBI की है, 685 डिफॉल्टर्स जो बड़े टॉप मोस्ट है, इन पर 43,887 करोड़। पंजाब नेशनल बैंक के 325 डिफॉल्टर, इन पर 22,370 करोड़। बैंक ऑफ बड़ौदा के 355 डिफॉल्टर, इन पे 14,661 करोड़। बैंक ऑफ इंडिया पर 184 डिफॉल्टर, 11,250 करोड़। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 69 डिफॉल्टर, 9,663 करोड़ रुपया। ये इन्होंने कर्ज लिया है, लौटाया नहीं है। जो सबसे स्थिति धीरे धीरे होते होते जब आप निकल कर आएंगे कि आखिर ये कितने डिफॉल्टर्स हैं जो टॉप मोस्ट की स्थिति में आते हैं, तो आपके सामने एक डाटा निकल कर आएगा, 2,494, जिसका जिक्र सरकार पार्लियामेंट के भीतर करती है। लेकिन इस बात का जिक्र पार्लियामेंट में सरकार नहीं करती है कि ये कौन डिफॉल्टर्स हैं और इन डिफॉल्टर्स को लेकर सरकार ने वापसी की कौन सी व्यवस्था की है। क्योंकि सरकार खुद कह रही है अब जो बैंक्स डिफॉल्टर के पैसा स्थिति में होकर कंगाली के स्थिति में आएंगे और जो बैंक डूब जाएंगे, उसमें सभी कॉमर्शियल बैंक हैं, उसमें सभी कोऑपरेटिव्स बैंक हैं, उसमें सभी रूरल यानी ग्रामीण बैंक हैं, उसमें विदेशी बैंक में भी जिनका बचत और चालू खाता है वह भी उसमें शामिल आएंगे, मिलेंगे सबको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए। अब यहां से बात आती है कि सरकार के पास पॉलिसी नहीं या RBI के पास पॉलिसी क्या है। हमें लगता है यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अब आप देखिए, RBI के जरिए जो डिविडेंड केंद्र सरकार को मिलता है, अगर उसको मनमोहन सिंह के काल से हम लोग पढ़ना शुरू करें, तो मनमोहन सिंह काल में 2006 से 2013 तक, यानी इस 8 साल के दौर में बैंकों के जरिए जो RBI के जरिए जो डिविडेंड मिलता है वो लगभग 2 लाख करोड़ के लगभग है। लेकिन इस 8 साल में 2014 से 2021 तक के बीच में जो RBI डिविडेंड मोदी सरकार को देती है, ये अप्रोचिंग लगभग 6 लाख करोड़ है, 5,99,411 करोड़।
यानी आरबीआई के पास अपना जो बैंक का पैसा जो होता है वह भी धीरे धीरे कंगाली की स्थिति में आ गई, इसलिए वह लक्ष्मी विलास बैंक को एक विदेशी बैंक के हाथ में देने से नहीं कतराती है। वह यस बैंक में किसी तरीके से ग्राहकों को तत्काल राहत देने की स्थिति में नहीं आ पाती है। वो पीएमसी बैंक में भी जो मुश्किल आती है उसको भी सुलझा पाने की स्थिति में नहीं आ पाती है, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है। और ये जो पैसा है, जब हम जिक्र कर रहे थे 2019 में सबसे ज्यादा डिविडेंड 1,76,051 करोड़ रुपए आरबीआई ने दिया, और इस बरस 2021 के फाइनेंशियल ईयर में 99,122 करोड़ रुपए। सवाल यह है कि सरकार क्या बैंकों को इस दौर में लगातार कंगाल बना रही है? और जो रिटर्न ऑफ किए जाते हैं, जो माफी दी जाती है, यह भी बड़ा रोचक है, क्योंकि हम एक बार जिक्र बार बार कह रहे हैं, कंगाल होते बैंक आने वाले वक्त में डूबेंगे ही, और अगर बैंक डूबेंगे ही तो जो उनका पैसा वहां पर जमा है वो 5 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा, और 5 लाख 1 लाख से 5 लाख किया गया है, 5 गुना किया गया है। लेकिन इस दौर में बैंकों के डूबने की परिस्थिति लगभग 100% बढ़ गई है पहले की तुलना में, क्योंकि हमें लगता है कुछ चीजें देखिए, जैसे एक जूम डेवलपर है, इनका धंधा रियल इस्टेट से जुड़ा हुआ, ये ग्वालियर से आते हैं, सरकार ने छापा मारा, सब किया, सारी चीजें की, इनको पकड़ा, जेल में डाला, तमाम केस डाल दिए गए, ये अलग मसला है। लेकिन सवाल है, देखिए पीएनबी 403 करोड़ रुपया माफ हो जाता है, एसबीआई 375 करोड़ रुपया इनका माफ करती है, यूको बैंक 308 करोड़ माफ करती है, यूनाइटेड बैंक 250 करोड़ रुपया माफ करती है। ठीक इसी तरीके से ध्यान दीजिए, रोटोमैक, ये कानपुर की कंपनी, बैंक ऑफ इंडिया 240 करोड़ रुपए माफ करता है, इंडियन ओवरसीज बैंक 751 करोड़ रुपए माफ करता है, बैंक ऑफ बड़ौदा 457 करोड़ रुपए माफ करता है। इसी तरीके से एक विंसम डायमंड, सेंट्रल बैंक 695 करोड़ माफ करती है, कैनरा बैंक 620 करोड़ माफ करती है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 275 करोड़ माफ करती है, पीएनबी 892 करोड़ रुपए माफ करती है। यानी कोई भी कंपनी एक बैंक से लोन नहीं लेती है, वो कई बैंकों से लोन लेती है, और माफी कई बैंकों के जरिए हो जाती है। उनको आप जेल में डालिए, केसेस कीजिए, ये सही है, इस दौर में सारी चीजें ठीक है, लेकिन उनमें से जो फरार की स्थिति है इस देश को छोड़कर भागने वाले की, उनको रोकने के लिए सरकार तैयार नहीं है। वापस ऐसे लोग कर्ज ना लें, ऐसी भी स्थिति नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2016 में जितने कर्ज दिया गया 2019 में उससे कम कर्ज दिया गया, या 2021 में उससे कम कर्ज दिया गया, कर्ज भी दिया जा रहा है, एनपीए भी बढ़ रहा है, डिफॉल्टर्स भी बढ़ रहे हैं, बैड लोन के डाटा आंकड़े भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो यह देश कब तक चीजों को संभालेगा? संभालेगा तभी तक जब तक आपके पास एक हद तक चीजों को संभालने की परिस्थिति रहेगी। और यह 1 लाख से 5 लाख की जो झुंझुने की स्थिति है, उसमें सरकार सिर्फ एक गारंटी ले ले इस देश में कि आज के बाद कोई बैंक नहीं डूबेगा, डूबे या ना डूबे, लेकिन वहां पर जिनका भी पैसा है वो पूरी तरीके से पैसा सुरक्षित रहेगा, ना सुरक्षित पैसा नहीं रहेगा, उसमें से सिर्फ हम 5 लाख रुपए दे सकते हैं। इस परिस्थिति में इस देश की इकोनॉमी अगर आकर खड़ी हो गई है तो कुछ सवाल हमारी आंखों के सामने होने ही चाहिए। बैंक डुबाने वाले पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? बैंक जब डूबता है तो जिनके जो लोन लिए होते हैं उनसे पाई पाई की वसूली क्यों नहीं होती है, और वो सारे तिहाड़ जेल में बंद क्यों नहीं नजर आते हैं? अगर उनको बैंकों का लोन अगर पॉलिटिकल तौर पे प्रभावित होकर लिया जाता है तो वो पॉलिटिशियन जेल में क्यों नहीं नजर आते हैं? जो ब्लैकमेलर हैं या फिर जो देश छोड़कर भाग जाते हैं, जो फरार हो जाते हैं, उनको लाने की स्थिति में जितना पैसा खर्च होता है वो ला पाना तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन उनको भागने देने की परिस्थितियों में आप कैसे उनको भगा सकते हैं? इस देश के हवाई अड्डे आपके पास है, आपके पास वो जेट लेकर तो भाग नहीं जाएंगे, और सारी इजाजत आपको कुल मिला के सरकार की ही एजेंसियों से लेनी पड़ेगी। तो सवाल सिर्फ मेहुल चौकसी का नहीं है, सवाल विजय माल्या का नहीं है, सवाल नीरव मोदी का नहीं है, फरिश्त तो लंबी दर लंबी होती चली जा रही है, क्योंकि 81 लोग अगर फरार हैं, 2,500 से ज्यादा अगर टॉप के जो कर्जदार हैं वो विलफुल डिफॉल्टर हो गए हैं, और इस देश के भीतर में जो आप रिटर्न ऑफ कर रहे हैं उसकी तादाद बीते 6-7 बरस में लगभग 7 लाख करोड़ को पार कर गई है, और इस देश के भीतर में एनपीए भी 10 लाख करोड़ से ज्यादा है, और इस देश के भीतर में जमा 138 लाख करोड़ में से 101 लाख करोड़ तो कर्ज पर ही उठाया हुआ है, वो हो सकता है कुछ अच्छे काम में भी लगाओ, उसमें सारे तरह के कर्ज आते हैं,
जो एजुकेशन के लिए भी लिए जाते हैं, जो हेल्थ सेक्टर के लिए भी लिए जाते हैं, जो पावर सेक्टर के लिए भी लिए जाते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी लिए जाते हैं, जो सरकार के पीएसयूज भी लोन पर, वो सारी चीजें अपनी जगह पर है। लेकिन ध्यान दीजिए, परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ते चला जा रहा है और सरकार ये कहने को तैयार नहीं है बैंक नहीं डूबेगा। सरकार ये कहने को तैयार नहीं है बैंक डूब जाए तो भी आपका पैसा सुरक्षित है। पॉलिसी आपकी है, उस पॉलिसी के मातहत कानून आपका है, उस कानून को इंप्लीमेंट करने वाले नौकरशाह ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियंस के पॉलिसी मेकर्स आप ही के हैं। पार्लियामेंट भी आपकी है, इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशंस भी आपके हैं, लेकिन जनता अगर ना हो तो किसी देश का मतलब क्या। लेकिन उसके ही पैसे की गारंटी उसको नहीं है, सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। अब आपको लगता है कि खुश हो लिया जाए तो खुश हो जाइए, और अगर आपको शक शुबा है तो फिर इस देश में सरकार से सवाल कीजिए या एक सवाल खुद में जान लीजिए, क्या वाकई 5 लाख रुपए से ज्यादा बैंकों में रखना खतरे की घंटी तो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।